नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चट्टा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में खुफिया एजेंसी आईएसआई अब तक युवकों को जिहाद की तालीम दिया करती थी, लेकिन अब पाकिस्तान की सरकार और सेना ने पीओके के बच्चों को आतंक की पाठशाला में जिहाद का पाठ पढ़ाने की तैयारी की है। इसके लिए जैश और लश्कर के खूंखार आतंकियों ने मौलवियों की एक ब्रिगेड तैयार की है, जो मदरसों में बच्चों को खून बहाने का सलीका सिखाएंगे। बच्चों के कंधों पर बंदूक टांगने की इमरान खान की साजिश का कच्चा चिट्ठा खोलती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। में बहुत बड़ी साजिश, आईएसआई ने रचा खतरनाक प्लान। बच्चों के कंधों पर आतंक की बंदूक, ये तस्वीरें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से सामने आई हैं। यहाँ नौजवान और बच्चों की भीड़ है, बैनर और पोस्टर हैं, और एक सुलगती हुई आग भी। यहाँ सुलग रही आग की राख में छिपी है पाकिस्तान सरकार की ऐसी खतरनाक साजिश, जिसे खुफिया एजेंसी आईएसआई ने बहुत शातिर तरीके से भीड़ का हिस्सा बना रखा है, जिसे हम अब परत दर परत बेपर्दा करेंगे। लेकिन हम इस सच को उधेड़े उससे पहले जरा इस तकरीर को सुन लीजिए, क्योंकि इन जनाब ने पाकिस्तान की सेना के जुल्मों सितम के खिलाफ अपना मुंह खोला और ये बात आईएसआई के एजेंट को अखर गई। आर्मी जो है ये पाकिस्तान के मजबूत ना खूब आवाम ना खून चूसने वाली आर्मी है, ये कभी दुश्मन के सामने खड़ी नहीं हुई है। ये आईएसआई एमएसआई एमआई क्या लगे हैं, ये यहाँ खौफ भराज पैदा करवाते हैं। ये तस्वीरें पीओके के मुजफ्फराबाद से सामने आई और हम यहाँ जिस साजिश का जिक्र कर रहे हैं वो इसी वीडियो में दिख रही भीड़ में शामिल बच्चों की शक्ल में नजर आ जाएगी। न्यूज 18 को मिले इस एक्सक्लूसिव वीडियो में जो भीड़ नजर आ रही है, असल में ये भीड़ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की ताजा चाल का जीता जागता सबूत है। यहाँ पीओके में पाकिस्तान की सेना उन उठती हुई आवाजों को दबाने की मुहिम में है जो यहां पाकिस्तान की इमरान सरकार को कोसती है। जालिम के खिलाफ है, हम काबस के खिलाफ है। तमाशा ये है, मैंने कहा ना यही फर्क है श्रीनगर वालों में और हम। 10 लाख फौज नाकू चने चुमा रहे हैं उसको, फौजियों को हिम्मत नहीं है, बाघ से बाहर आए। पीओके में पिछले काफी अरसे से लोगों ने पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, लिहाजा पाकिस्तान की सेना ने इस इलाके में अपनी सेना अपना आवाम मुहिम शुरू की है। असल में इस मुहिम की आड़ में पाकिस्तान की सेना ने इमरान सरकार के खिलाफ उठती लोगों की आवाज को दबाने के लिए बाकायदा एक रणनीति तैयार की है, जिसकी एक वानगी इस वीडियो में नजर आई। पीओके के सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आईएसआई ने अब यहां के गांवों में चल रहे मदरसों को अपने निशाने पर लिया है, तो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों और नौजवानों को अपनी साजिश का नया हथियार बनाया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई गांव के मदरसों में मौलवियों को डरा धमका कर अपनी साजिश का हिस्सा बना रही है और पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ उठती आम लोगों की आवाजों को दबाने के लिए कुछ ऐसी रैलियों को प्रायोजित कर रही है जिनमें बच्चे और नौजवान शिरकत करते हैं। इतना ही नहीं, ऐसी रैलियों में धार्मिक संगठनों को भी लोगों की आवाज दबाने के काम पर लगा दिया गया है। खबर यही है कि पीओके में कोटली, बाग, रावला कोट और मुजफ्फराबाद में ऐसे मौलवियों की गिनती करीब 40 है
जिन्हें पाकिस्तान की इमरान सरकार बाकायदा तनख्वाह देती है और जिनका ताल्लुक जमातुद दावा से बताया जा रहा है। उन्हें चंदा उगाही के साथ साथ रैलियों का आयोजन करने की जिम्मेदारी दी गई। इतना ही नहीं, मदरसे के बच्चों को उस रैली का हिस्सा बनाया जा सके इसकी खातिर बच्चों के माता पिता पर दबाव बनाने की जिम्मेदारी भी मौलवियों को सौंपी गई। ये कहना कि उनके लिए सरदर्द स्थापित हो सकता है, ये मैं समझता हूँ ये सरदर्द शुरू हो चुकी है, और ये नहीं कि मैं सरदर्द होगी, सरदर्द हो चुकी है। और ये सरदर्द जो पाकिस्तान की हुकूमत के लिए और इमरान खान के लिए है, ये आगे वाले दिनों में और बढ़ती जाएगी। अभी पाकिस्तान को ये देखना है कि उस प्रकार की हालत ना बने जैसे कि ईस्ट पाकिस्तान में बनी थी, जिसके कारण बांग्लादेश बना। अगर इस प्रकार की बात चलती रही तो जिस प्रकार से 1971 में ईस्ट पाकिस्तान का बांग्लादेश बना, मुझे लगता है कि गिलगित बाल्टिस्तान के भी वही हालत हो जाएगी, और हो सकता है गिलगित बाल्टिस्तान फिर, क्योंकि ये पहले से ही हिंदुस्तान का हिस्सा है, ये वापस हिंदुस्तान में मिल जाएगा। हकीकत यह है कि पीओके में पाकिस्तान की सेना के जुल्मों सितम की वजह से आम लोग इस कदर भड़क चुके हैं कि अब लोगों ने खुलेआम पाकिस्तान की सरकार, सेना और खुफिया एजेंसी ISI के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। ये वो आर्मी है जिसने बंगाल में 73,000 ने हथियार डाले और इस मुस्लिम उम्मा का नाम जो है सरकार जो है शर्म से झुकवा लिया। ये वो आर्मी है जिसने कारगिल में जो है ना क्या कहते हैं जिल्लत और रुसवाई का सामना किया। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों की बातों पर यकीन किया जाए तो पाकिस्तान के बहावलपुर, मुरीद के, सियालकोट, मुल्तान के अलावा पीओके के मुजफ्फराबाद, कोटली, बाग और रावला कोट में मदरसों की आड़ में जिहादियों की पाठशाला चल रही है। पीओके में करीब 12 ऐसे मदरसे हैं जिनमें जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के आतंकी बच्चों को जिहादी बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीओके के अलग अलग मदरसों में 14 से 19 साल की उम्र के बीच के करीब 200 ऐसे नौजवान हैं जिन्हें आत्मघाती हमलावर बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। और ये भी खबर है कि इन्हीं मदरसों में 100 के करीब 10 से 12 साल के बच्चे हैं जिनका ब्रेन वॉश हो रहा है। पीओके में अवाम की आजादी की आवाज दबाने और लोगों को डराने के मकसद से पाकिस्तान की सेना ने यहाँ के कई हिस्सों में आतंकी तंजीमों के ट्रेनिंग बेस बना रखे हैं। तो ये वही आतंकवादी हैं जो ट्रेनिंग लेकर पाकिस्तान की शह पर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की आग भड़काने के लिए हर हद लांग जाते हैं। और इमरान बच्चा ब्रिगेड के जरिए भारत के खिलाफ छद्म युद्ध को धार देने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन क्या आपको ये हैरानी होगी जानकर कि इसके पीछे पाकिस्तान का एक और डर भी है। वो डर है भारत की बढ़ती सैन्य ताकत। भारत ने स्वदेशी तकनीक से बने अर्जुन मार्क 1A टैंक को सेना में शामिल किया है, जिसकी खूबियों से पाकिस्तान इस कदर खौफजदा है कि उसने अपने टैंकों की हिफाजत के लिए विदेश से तकनीक आयात करने का फैसला किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या विदेशी तकनीक से पाकिस्तान अपने पुराने और जंग पकड़ चुके टैंकों को बचा पाएगा। भारत के अर्जुन से कांपा पाकिस्तान। टैंक बचाने की तकनीक खरीदते इमरान खान। भारत की बढ़ती ताकत से बाजवा परेशान। पाकिस्तान के वजीरे आजम इमरान खान की नींद उड़ी हुई है। इमरान के सेनापति कमर जावेद बाजवा के होश फाख्ता हैं। रावलपिंडी स्थित पाकिस्तान के आर्मी हेडक्वार्टर में हलचल बढ़ गई है। पाकिस्तान की हुकूमत और वहां की सेना खौफजदा है। जाहिर है आपके जहन में भी सवाल कौंध रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आतंकिस्तान
थर थर कांप रहा है। तो जवाब है भारत के इस नए युद्धवीर की आहट, जिसका नाम है अर्जुन। भारतीय सेना में स्वदेशी टैंक अर्जुन के एडवांस वर्जन और एटीजीएम यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग ने पाकिस्तान को अपने टैंकों की हिफाजत करने के लिए मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान ने भारत के मेक इन इंडिया के तहत बनाए जा रहे घातक टैंक और मिसाइल से अपने टैंकों को बचाने के लिए एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम की खरीद को तेज कर दिया है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अपने युद्धक टैंकों को भारत के अर्जुन टैंक और नाग मिसाइल से बचाने के लिए यूक्रेन का रुख कर रहा है। पाकिस्तान यूक्रेन से ऐसी तकनीक खरीदने की तैयारी कर रहा है जिससे उसके टैंक आग के गोले में तब्दील होने से बच सकते हैं। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान सेना अपने टैंकों के लिए 200 जेस्लॉन एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम यूक्रेन से खरीदने की तैयारी कर रहा है। एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम यानी APS एक रडार बेस्ड सिस्टम है जो 1200 मीटर प्रति सेकंड तक की रफ्तार से आने वाले किसी भी मिसाइल को टैंक में लगने से पहले ही नष्ट कर देता है। यह सिस्टम 150 से 180 डिग्री की कवरेज में आने वाली किसी भी मिसाइल या एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को पहचान लेता है। पाकिस्तान के पास एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम आता है तो पाकिस्तान समझता है कि उसको उसके आर्मर को, उसके टैंक्स को काफ़ी प्रोटेक्शन मिलेगा एंटी टैंक गाइड वेपन सिस्टम से। लेकिन ये उसकी भूल है कि ये प्रोटेक्शन अर्जुन टैंक के सामने ये प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होंगे, क्योंकि अर्जुन टैंक की जो पियर्सिंग क्षमता है वो उससे पाकिस्तान के टैंक्स को बचाव नहीं मिल पाएगा। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को बनाने वाली कंपनियों से जल्द जंग के मैदान वाले हालात को दिखाते हुए एक टेक्निकल प्रेजेंटेशन देने को कहा है। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी साल अगस्त में पाकिस्तान यूक्रेन से इस सिस्टम की खरीद का समझौता कर सकता है। सीरिया में तुर्की ने अपने टैंकों को मिसाइल अटैक से बचाने के लिए इसी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब तक इस बात की तस्दीक नहीं हो पाई है कि यह सिस्टम कितना कारगर रहा। जबकि भारत ने स्वदेशी अर्जुन मार्क 1A और ATGM नाग मिसाइल को बेहतर तरीके से आजमा चुकी है। पाकिस्तान के पास ज्यादातर चीन और यूक्रेन की तकनीक पर आधारित टैंक हैं, तो कुछ टैंक पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर विकसित किए हैं जिनमें शामिल हैं अल खालिद और अल जरार टैंक। पाकिस्तान के पास यूक्रेन का T-80UD और चीन का टाइप 85-69-59 टैंक भी है, लेकिन भारत के अर्जुन मार्क 1A को किसी सुरक्षा कवच की जरूरत नहीं है। स्वदेशी तकनीक से बने इस टैंक की बड़ी खासियत यह है कि इसका ट्रांसमिशन सिस्टम पहले से ज्यादा बेहतर है। यह ग्रेनेड और मिसाइलों के हमले ज्यादा मजबूती से झेल सकता है, तो रासायनिक हमले से बचाने के लिए इसमें खास सेंसर भी लगाए गए हैं। इसका मॉड्यूलर कंपोजिट आर्मर इसे एंटी टैंक हथियारों से चारों तरफ से सुरक्षा देता है। तो आपको बता दें, इसका लेजर वार्निंग सिस्टम पता लगा लेता है कि कहां से और किस तरह की वार्निंग यानी चेतावनी आ रही है, कहां से हमला हो सकता है। इस टैंक में ऐसा गोला बारूद है जो दुश्मन पर कम समय में और सटीक निशाना लगाने में मददगार होता है। इसमें स्वदेशी 120mm कैलिबर की राइफल गन है। इसमें हर तरह की रोशनी में काम करने वाली प्रणाली है। इस टैंक में जमीन से हवा में मार करने वाली मशीन गन भी लगी है। इसमें रात में देखने की सुविधा है जिसकी पहले के टैंकों में कमी थी, और ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। जो पाकिस्तान का जो टैंक प्रोफाइल है उसको यदि तुलना कीजिए हिंदुस्तान के प्रोफाइल से, तो हिंदुस्तान के पास विश्व के जाने माने T-90 भीष्मा टैंक्स हैं, T-72 अजय टैंक्स हैं, और हिंदुस्तान ने आत्मनिर्भर बनके जो अर्जुन टैंक्स बनाया है, अर्जुन मार्क 1A, वो बहुत ही सुपीरियर है। उसकी जो आर्मर पियर्सिंग फिन स्टेबलाइज डिस्कार्डिंग सैबो है, APFSDS एमिनिशन है, वो बहुत ही कारगर और प्रभावशाली है। जाहिर है पाकिस्तान के मुकाबले भारत के पास ऐसे घातक टैंक हैं जो जंग के मैदान में इमरान आर्मी के पसीने छुड़ा सकते हैं।
तो शायद यही वजह है कि पाकिस्तान यूक्रेन और चीन की तकनीक से बने टैंक और इन टैंकों को बचाने का रक्षा कवच तैयार करने में जुटा है। और आइए अब आपको बताते हैं कैसे सूरज जैसे से चढ़ रहा है, कोरोना का खतरा भी बढ़ रहा है। फरवरी में दिल्ली में गर्मी का 15 साल का रिकॉर्ड टूट गया। 15 साल बाद फरवरी में पारा 32 डिग्री के पार गया। मौसम के बिगड़ी हुई चाल हमारे और आपके लिए सिर्फ मौसम की जानकारी नहीं बल्कि परेशानियों का अनचाहा पैकेज है। गर्मी बड़ी, पहले ठंडी थी बहुत, अभी फिलहाल 2-3-4 दिनों से तो ज्यादा गर्मी भी बढ़ी है। गर्मी ज्यादा पड़ रही है इसलिए ज्यादा दिक्कत पड़ रही है हमको। मुंबई कर जो है जुहू बीच का सहारा ले रहे हैं, जहां पे मुंबई कर यहां आके ये भीषण गर्मी से पार पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैकेट पहन के निकले थे। अच्छा, लेकिन यहां पे तो सबको जैकेट वगैरह सब कुछ उतार दिया हमने। मौसम का हॉट अटैक, 15 साल का रिकॉर्ड टूटा। फरवरी में 32 डिग्री टॉर्चर। दिल्ली एनसीआर में अचानक बढ़े तापमान की वजह से सर्दी समय से पहले ही खत्म होने की राह पर है। फरवरी में दिल्ली और नोएडा में 32 डिग्री सेल्सियस वाली गर्मी पड़ने लगी है। इसके अलावा मुंबई में भी तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, यानी दिल्ली से मुंबई तक फरवरी में ही मार्च जैसी गर्मी पड़ रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दिल्ली में एक हफ्ते से बढ़ रहे तापमान ने 24 फरवरी को 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिलहाल 2-3-4 दिनों से तो ज़्यादा गर्मी भी बढ़ी है और हीट दोपहर के टाइम ज़्यादा रहती है और शाम को फिर से थोड़ी ठंडी निकलने लग जाती है। हवामान बदल रहा है दिल्ली का फिलहाल तो। दिल्ली में आज बहुत गर्मी ज़्यादा है, कल के मुकाबले आज ज़्यादा है। हम घर से घूमने के लिए निकले थे स्वेटर ओले के, लेकिन हम कुछ सब यहाँ पे छोड़ के जाना पड़ रहा है। मैं निकला था तो थोड़ी सर्दी थी, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है तो जैकेट उतारना पड़ा मुझे। तो अभी टेम्परेचर में बहुत बदलाव आ रहा है, अचानक से गर्मी तेज हो गई है। गर्मी ने अचानक फरवरी में दस्तक क्यों दी, इसकी पड़ताल के लिए मौसम वैज्ञानिकों का रुख करते हैं। 24 फरवरी को दिल्ली का अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री दर्ज किया गया, ये सामान्य से 7 डिग्री ज्यादा था। 24 फरवरी 2021 का अब तक का सबसे गर्म दिन रहा। 15 साल में पहली फरवरी में दिल्ली का तापमान 32.5 डिग्री तक पहुंचा है। इससे पहले 26 फरवरी 2006 को दिल्ली का तापमान 34.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। विंड पैटर्न जो सामान्यतः बदलता है और ठंडी हवाएं पहाड़ों से आती वो नहीं आई, तो पश्चिम की हवाएं रहे और उनकी में भी स्पीड नहीं थी ज्यादा, और जो वो लेके आ रही थी अपने साथ गर्मी ही लेके आ रही थी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ, ये भूमध्य सागर में चक्रवातों के रूप में उत्पन्न होता है। ये डिस्टर्बेंस वायुमंडल में नमी वाली हवाओं को तेज रफ्तार से बढ़ाता है। ये सर्दियों में भारतीय उपमहाद्वीप में प्रभावी रहता है, भारी बारिश और बर्फबारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर है, 2020 में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर था। इसकी वजह से पिछले साल भी गर्मी जल्दी पड़ने लगी थी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर हो तो तेज हवाएं नहीं चल पाती, ऐसे में मौसम में बदलाव की संभावना काफी कम रहती है। हवाएं न चलने से आसमान साफ रहता है, आसमान साफ रहने से धूप तेज रहती है और तापमान बढ़ता है। दिल्ली में फरवरी में पड़ रही 32 डिग्री वाली रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बाद अब मुंबई का रुख करते हैं। मुंबई में फरवरी के तीसरे हफ्ते में ही लोगों के पसीने छूटने लगे हैं। मुंबई का पारा पिछले कुछ दिनों से 35 से 36 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। मुंबई के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने मिल रहा है, जहां फरवरी 22 को मौसम विभाग ने 36 डिग्री से ज्यादा का तापमान नोट किया था, वहीं मुंबई कर जो है जुहू बीच का सहारा ले रहे हैं, जहां पे मुंबई कर यहां आके ये भीषण गर्मी से पार पाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कुछ लोग आपको नहाते हुए भी दिख रहे हैं और इस भीषण गर्मी से जो है वो पार पाते हुए दिख रहे हैं। मुंबई में मौसम विभाग के मुताबिक यहां 15 फरवरी तक सर्दी का मौसम रहता है, उसके बाद धीरे धीरे तापमान बढ़ता है, लेकिन इस बार तीसरा हफ्ता शुरू होते ही तापमान अचानक 36 डिग्री तक पहुंच गया। आने वाले दिनों में गर्मी और धूप बढ़ने के आसार हैं। ये मौसम का डबल गेम है जो सीधे लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए फरवरी में पड़ रही गर्मी से
जरा संभल कर।